मन तो तैयार लेकिन शरीर दुर्बल है। कल मैं ये कुछ कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा हूँ, मुझे बस ऑर्डर दिया गया है ये उखाड़ने का। 70 एज हो गया। 70? हेलो गाइस, अभी फिलहाल मैं ये कुछ कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा हूँ, मुझे बस ऑर्डर दिया गया है ये उखाड़ने का। धान उखाड़ रहा हूँ, बोलना। दियार मार रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मम्मी अभी डिटेल से बताएंगी। तो मुझे बस ऑर्डर दिया गया था तो ये मैं कर रहा हूँ। बताओ मम्मी क्या करवा रहे हो मेरे से? धान उखड़वा रही हूँ, दियार मार रहा हूँ। वो दियार मार रहा हूँ और उसको और लगाएंगे खेत में। और खेत में लगाएंगे और ठीक है, बाकी बातें बाद में। फोटो खींच रहा हूँ। वहाँ पे अभी भी काम जारी है तो छोटा सा खाद में धान लगाते हैं, उसका उसको उठा के मतलब उखाड़ के फिर कहीं लगाते हैं। और मैं सो के उठा हूँ अभी, बाल मेरे बहुत बड़े हो गए हैं और दाढ़ी बढ़ गई है। गांव में तो मुझे नहीं लगता कि ना ही लोग मेरा बाल अच्छे से काट पाएंगे, और जब भी मैं कटाया हूँ तो रिपोर्ट ख़राब ही मिली है। ए इथान, बाय कर दो। इथान बहुत खुश है यहाँ गांव आके, बहुत सारे और इसके भाई बहन लोग इसको मिल गए हैं। आप खेला नहीं है बेटा? पंछी थी, कहाँ बेटा पंछी थी, कहाँ है बाकी लोग, कहाँ है? और अभी ये भी सोटी उठा है और सब लोग अभी खेत में काम कर रहे हैं, उधर खेत में काम कर रहे हैं बेटा। और इथन के दो भाई यहाँ पे काम करते हुए, कुछ दिनों बाद इथन भी खेत में नज़र आएगा। फिलहाल तो अभी चाय बॉय है और ये जंगल में घुसने की कोशिश। ओहो ओहो, मिट्टी में क्यों जा रहा है ऐसे? नहीं मत छूना, गंदा गंदा ये बेटा। सूखा वाला? क्या सूखा वाला? सूखा वाला कितना मीटर जाइए? ये एक इधर का भाई है गांव से। ओदे और मेरी मम्मी यहाँ पे अपना अपना कहीं भी काम करने के लिए शुरू हो जाती है। वो बोलते हैं ना, मन तो तैयार लेकिन शरीर दुर्बल है ना मम्मी? क्या? मन तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। क्या के लिए? मतलब काम करने के लिए आप तैयार हो लेकिन आपका शरीर दुर्बल है। साथ नहीं दे रहा। तो मेरी बूढ़ी मम्मी बहुत काम करती है, बूढ़ी होगी फिर भी बहुत काम करती है। मना करो तो भी बच्चों सारी की है। 70 एज हो गया। 70? गांव में अभी खेती बाड़ी का टाइम चल रहा है, सब बहुत बिजी हैं खेती बाड़ी में। बट मेरा आज से 3 दिन तक जशपुर में शूट है तो मैं आज चला जशपुर। खेती बाड़ी 3 दिन के लिए बंद है, लेकिन जशपुर से आने के बाद फिर थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करेंगे और थोड़ा बहुत सीखेंगे। और वहाँ पे भैया भी कर रहे हैं, देखने जाएंगे आप उनको। तो चलो फिर आज का हम लोग छोटा सा रखते हैं, आज के लिए कुछ दिखाने के लिए था नहीं। बाकी फिर अब जशपुर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो वेडिंग है तो वहाँ पर आप लोगों को मज़ा आने वाला है। और आप लोग में से कितने लोग जशपुर में हैं अभी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मुझे पता होना चाहिए कि जशपुर में कितने लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर और कितने लोग मुझे आप लोग देख रहे हो। तो प्लीज़ अगर जशपुर से हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर टाइम रहा तो मिल भी लेंगे अगर आपने चाहा तो। चलो ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है, चलो बाय।